यहाँ पे घना जंगल है और पीछे एक कोई नदी है जिसका नाम है शिवाने नदी। यहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं तो हम ये वाला रास्ता लेंगे। सफर छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता, लेकिन सफर सुहाना होना चाहिए। मैं आतिफ परवेज स्वागत करता हूँ बहुत दिनों के बाद अपने YouTube चैनल में। फिर से हम निकल चुके हैं एक सफर पे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये सफर कहाँ का है और कैसा है। इस सफर में मेरे साथ मेरे वही पुराने दोस्त है जो आपको हर ब्लॉग में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, सूरज, आकाश, और एक नए लड़के से मिलेंगे ये सब किसी ब्लॉग में नहीं, अनिकेत और अपना डेफिनेट भाई। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस सफर को बहुत ही मनोरंजक बनाते हैं। फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। हम गिद्दी होते हुए मांडू पहुंच गए और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे। यहाँ से अब नेशनल हाईवे चालू हो जाता है। मेरे पीछे नेशनल हाईवे 33 है। अब यहाँ से हम हजारीबाग के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। हजारीबाग का बाईपास रोड पकड़ ली है। अब यहाँ से कुछ दूर और आगे जाएंगे, फिर वहाँ से मेरू कैंप वाला रास्ता पकड़ के हम बगोदर की ओर निकलेंगे। गेस कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। वैसे तो आप लोग बहुत लोग गेस कर भी चुके होंगे थंबनेल देख के, लेकिन फिर भी गेस कीजिए। पानी पीते चलना है क्योंकि शरीर में कमजोरी हो सकता है। पानी सिर्फ पौधे के लिए, पानी सिर्फ पौधे के लिए, सेव वाटर ड्रिंक। हजारीबाग से 20 किलोमीटर आगे आने के बाद हम एक जंगल के बीच में रुके हैं। यहाँ पे घना जंगल है और पीछे एक कोई नदी है जिसका नाम है शिवाने नदी। यहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं तो हम ये वाला रास्ता लेंगे और चलेंगे आगे। आगे यहाँ पे कोई टाटी झरिया जगह है, अच्छा जगह होगा घूमने लायक।
चलने के बाद अब हम लोग बगोदर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से अब बगोदर शुरू हो जाएगा। यहाँ से लगभग अब हम मैं आपको बता ही देता हूँ, हम लोग पारसनाथ जा रहे हैं, तो यहाँ से अब लगभग 30 किलोमीटर और पारसनाथ बच जाता है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और फिर पारसनाथ पहुँच के कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे, वो आपको मैं दिखाता हूँ फिर। ये जीटी रोड है, अभी हम यहाँ से जीटी रोड पकड़ लेंगे और इस रास्ते पे हम जाएंगे। ये मधुबन सिटी का छोटा मोटा मार्केट है, काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, रंग बिरंगा मार्केट आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ से ही हिल स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा हिली एरिया है। यहाँ मधुबन सिटी में हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे लगभग 10 बज रहे हैं अभी फिलहाल। सुबह के 5:30 बजे निकले थे और लगभग 4.5 घंटा हमें यहाँ पे आने में लग गए हैं। देखते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे चढ़ने की तैयारी की जाएगी। यहाँ पर छोला भटूरे का हम लोग मजा लेते हुए ठीक है। सुबह से भूख बहुत लग गया था, इसलिए लगे छोला भटूरा खा ले रहे हैं, खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे।